मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष ने किया नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से जिले का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। वारासनी विधानसभा क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसका जायजा लेने के लिए विधायक व मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल प्रशासनिक अधिकारियों के दल के साथ ग्राम घोटी और अन्य इलाकों में पहुँचे, जहां उन्होंने नाव में बैठकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बारा सिवनी और खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। इस क्षेत्र में वैनगंगा और इसकी सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं तो वहीं नालों का पानी ग्रामीण अंचलों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों के मकान और गृहस्थी के सामान को नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रशासनिक अमले के द्वारा डूब क्षेत्रों के गांवों को खाली करा दिया गया है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा नाव में बैठकर SDM और SDRF की टीम के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री जायसवाल ने बताया कि बाढ़ में 200 से 250 ग्रामीण फंसे हुए हैं, जिन्हें पुलिस और SDRF की टीम की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रयास तो यह भी किए जा रहे हैं कि दिन के उजाले में उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। सुबह से आज हम लोग हमारे जितने अधिकारी बने सबके साथ मिलकर आज खतरे से दौरा कर रहे हैं और विशेष रूप से अभी जैसे घोटी में लगभग 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। हमें उम्मीद है कि जैसे आज धूमगढ़ पानी खोला गया तो हो सकता है कि 4 या 5 फीट पानी और खतरे से बहुत ऊपर से चल रहा है और पूरा प्रशासन जो है सभी तरह लगा हुआ है। सबके जगह नाव भी आ चुकी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि दिन दहाड़े सबके बाहर ही आज जैसे घोटी में पठान टोला है, भीमा टोला बहुत गंभीर स्थिति में है, उसकी वजह से छिपका हुआ टोला है और उसमें लगभग 200-250 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम प्रारंभ हो रहा है। और उसके बाद जो है आदिवासी के जो दूसरे गाँव है, सतोना है, गारा है, सिवन घाट है, चंजक खड़ी है, ये सभी जगह बराबर नजर रखी हुई है और जहाँ भी लोगों को ऐसी जरूरत है वहाँ प्रशासन पहुँच कर उनकी बहुत पूरी करें। जगह प्रयास भैया जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें कहाँ रहने की व्यवस्था करवाई जा रही है? उन्हें प्रशासन पूरा लगे हैं यहाँ पर, हमारे जहाँ भी चाहे मंदिर हो या मकान पंचायत भवन है या स्कूल भवन है वहाँ पर उनको निश्चित करने का प्रयास करें। 4-5 फीट होगा पानी के है वो मकान दिख गया ना वो पर थोड़ा दूसरा दूसरा होगा भैया।